हेलो गाइस, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे बैठे हैं नेगी जी और मैंने इनको चाय बना के दी है अभी। और चलो चाय पी लेते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर करें। आपको अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगे, आज इनकी पैकिंग चल रही है, कल इनको जाना है, तो कैसा लग रहा है आपको? ख़राब लग रहा। कितना ख़राब? ख़राब लग रहा। चाहते झूठ बोल रहे हैं, इनको दिल्ली बहुत अच्छी लगती है। कम से कम 7-8 महीने में घर आते हैं तो इनको दिल्ली अच्छी लगती है। बोले दिल्ली बहुत अच्छी है, बस एकदम बिजी लाइफ दिल्ली की है ना। और चलो चाय पी लो, आजकल बहुत ठंडा हो गया है तो चाय बहुत ज़्यादा चलती है। और चाय पीने के बाद मैं जाऊंगी किचन में और पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। कुछ ले जाना होगा इनको दिल्ली से। तो ये देखो, इनकी माँ ने इनके लिए कुछ भर रखा है यहाँ पे। तो क्या क्या दे रखा है आपकी माँ ने इसमें? ये मेरी सासू माँ ने पता नहीं क्या क्या रखा है इसमें, रखा है इनके लिए छोले का आटा। बाप रे, स्पेशल मिश्रा वाली मिठाई ले जा रहे था, पता नहीं क्या है इसमें। भगवान वाली गिर गई। ये रखी है लासन मेरी सासू माँ ने अपने स्पेशल बेटों के लिए। और इसमें सारा इसमें है, ये देखो मडवे का आटा है। तो इनको मडवे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। अरे पहले चाय पी लो, कुछ चोरी करके मत ले जाना रे दिल्ली हमारी। दिल्ली वाले चोर भी हैं क्या? क्या चुरा रहे हो तुम वहाँ? तो पता नहीं क्या क्या ले जाने वाले हैं। ये ऊपर नीचे देख रहे हैं आज, तो घर का पूरा बंदोबस्त करके जाएंगे बलिए। और चलो हम पी लेते हैं चाय और उसके बाद चलते हैं किचन में कि आज क्या बनाने वाले हैं। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बनाने जा रही हूँ ये गांव की लौकी। ये मेरी रौतेली लेके आई है आज, मतलब मेरे पति की बहन। तो अपने भाई से मिलने आ रखी हैं और मौसी जी से मिलने आ रखी हैं, क्योंकि मौसी जी जाएंगी पंजाब। तो ये देखना कितनी सुंदर लौकी है एकदम। ये लास्ट वाली लौकी रह रखी है, अब गाँव की सब्जी ख़त्म हो गई है और ठंडे के कारण मैंने इसमें एक कसेरी गर्म पानी कर दिया है पीने के लिए। तो चलो मैं काट लेती हूँ लौकी और उसके बाद बनाऊंगी इसकी टेस्टी वाली सब्जी। तो चलो मिलते हैं। और अभी थोड़ा सब्जी उब्जी काट के मैं करूंगी पूजा पाठ। तो चलो चलते हैं थोड़ा अंदर वाले कमरे में। और बच्चे जा रखे हैं अभी दादी के पास, उधर वाली दादी के पास। और चलो आपको दिखा देती हूँ कान्हा जी को। तो सेठ जी तो ये हैं, बैठे हैं आराम से। अभी आ रही हूँ पूजा करने, ठीक है कान्हा जी? और हमारा दिया तो जलता ही रहता है, वो हमारी कुलदेवी ज्वालपा का है तो नित्य निरंतर जलता है। तो चलो अभी मैं काट लेती हूँ सब्जी और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। ये बन गई हमारी लौकी की सब्जी। और ये देखो माही शिवानी आज अपने पापा के पास बैठे हैं और गप्पे मार रहे हैं, और पापा लगे हैं फोन पे। हेलो गाइस, तो ये दोनों मेरी मजाक उड़ाते हैं ना। कैसे उड़ाते हो तुम मेरी मजाक, जरा बताना। हेलो गाइस, हेलो गाइस, तो मेरी बेटियां ये उड़ा रही है मेरा मजाक कि मेरी मम्मी ऐसे हेलो गाइस करती रहती है। और अभी हम जा रहे हैं अपनी दूसरी सासू माँ के यहाँ। तो चलो आपको भी ले चलते हैं वहाँ। सब्जी को ढक लेते हैं और चलो चलते हैं मौसी जी के घर। हम जा रहे हैं मौसी के यहाँ। बच्चों कान्हा जी को खाना खिला देना और रोटी बना के, ठीक है? ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलो हम चल रहे हैं मौसी के यहाँ। अरे ये वाले चप्पल यहाँ पे ताला लगा दो रे, बच्चा पार्टी। हम जा रहे हैं अभी मौसी के घर और रास्ते पे हैं मार्केट में, और थोड़ी दूर है, ज़्यादा नहीं है, पास ही है। तो चलो मौसी से मिल के आते हैं। दादी भी वही हैं और मेरी रौतेली भी वही हैं। तो चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ क्या बन रहा है खाना तो आपको दिखाएंगे। नज़दीकी है, बाप रे चढ़ू लगड़ू ना मिला भी। तो हम पहुंच गए हैं मौसी के घर। चलो घर पे करते हैं एंट्री। अंधेरा कर रखा है रे इन्होंने।
के घर के अंदर और यहाँ पे मेरी सासु माँ आराम से लेटी है बिस्तर के अंदर, मजे कर रही है। मेरी सास की ठाट है और ये है मेरी रोतेली मौसी बाणी खाना और मौसी जी बना रही है सब्जी। तो चलो किचन में चलते हैं, देखते हैं क्या सब्जी बन रही है हमारी। क्या सब्जी बननी है? सवेरा खा आलू। प्याज की सब्जी बन रही है सुबह के लिए, आलू ट्रेन के लिए, सब्जी बना के आ गयो आला बना लो रोटी। चलो ये है मौसी जी का रूम, मौसी के थैले पैक हो गए हैं। ना ना रोटी में तो बनाओ ना अभी, देखो तो। तो चलो हम यहाँ पे सब बैठे हैं, अभी मौसी जी भी आएंगे। कैसा लग रहा है? ठाट तो मेरी सासू का चाहिए लिया, मेरे सासू बकरू गदेला। तो गाइस मेरी सासू माँ के लिए लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। हेलो मेरा क्या खाना है? अभी तो ना फोन नहीं जा मेरे। गाइस मैं बना रही हूँ मौसी के यहाँ ये खाली पराठे, इनमें घी नहीं लगाना है क्योंकि अभी रात का टाइम है। तो मैं बना रही हूँ इस तरीके से बिना घी के भरी हुई रोटी, और ये भी इनके लिए बना रही है मौसी ने, मसे का बना के रखा था कि ये गैस के पराठे खाएंगे। तो दिल्ली वालों को बड़ा जोर है गैस के पराठे पे। तो ये बना दी है मैंने गैस की रोटी, बहुत टेस्टी और यम्मी यम्मी। चलो मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और राधे राधे। चलो।